नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। बात यूपी की खबरों की करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार सपा पहले जैसी गलती फिर से नहीं दोहराना चाहती और पार्टी की नजर हर वर्ग के वोटरों पर है। हर धर्म और हर जाति के लोगों को रिझाने के लिए इस बार सपा का स्मार्ट प्लान है, जिस पर वो तेजी से काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। सपा इस बार ना हिंदू छोड़ना चाहती है और ना मुस्लिम। सपा चाहती है हर वोटर उसका हो, और इसी कड़ी में अगला निशाना पटेल वोटर्स पर है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने और पटेल वोटों को रिझाने के लिए पूर्वांचल में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष और MLC नरेश उत्तम पटेल शामिल हो रहे हैं। इस दौरे में मिर्जापुर, सोनभद्र जगहों को शामिल किया गया है, जो BJP का गढ़ माने जाते हैं। BJP के लिए इस बार कुछ भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सपा इस बार BJP की हर आसानी को मुश्किल बना रही है। ये जितने भी क्षेत्र हमने आपको बताए, ये सब BJP के क्षेत्र माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में OBC निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। OBC को लेकर अखिलेश यादव BJP पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल अखिलेश यादव ने BJP पर OBC को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाया है, और पटेल लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। यूपी में लगभग 36-38% OBC मतदाता हैं। BJP और सपा के बीच OBC वोट बैंक को लेकर लड़ाई चल रही है। यूपी में OBC वोट बैंक अलग अलग जातियों में बटा है, जिसमें एक जाति पटेल है, और यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी अपना अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाया है, जो कि OBC समाज से हैं। और अब ये प्रोग्राम जो सपा ने रखा है, इसके जरिए पटेल मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जाएगी।